अध्यादेश लाने की आप लगातार बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने भी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि अब 4.5 साल बाद भाजपा को याद आई है, ये एक कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, क्या कहें? साढ़े चार साल बाद याद नहीं आई, शायद कोई दिन होगा जब आपने पूछा होगा, मैंने यही कहा कि 2019 से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे या फिर मोदी जी को अध्यादेश लाना पड़े, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नहीं, कांग्रेस का कहना ये चुनावी एजेंडा भाजपा, कांग्रेस तो क्या कहती है, कांग्रेस तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है, उसे नोचने दीजिए। शिवपाल जी कह रहे हैं कि बगैर मोर्चा के केंद्र में सरकार नहीं बनेगी और भाजपा से उनकी सीधी टक्कर है। शिवपाल जी नई नई पार्टी बनाई है और नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। विरोधी कह रहे हैं वो भाजपा के एजेंट, विरोधी कह रहे हैं उसके, उसका मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर भाजपा एजेंटों पर काम नहीं करती है, सबका विकास सबके साथ पर काम करती है। तो ये थे सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने अमृतसर रेल हादसे पे साफ कहा है कि उन्होंने उनका उनको भी गहरा दुख है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, किसी ना किसी को तो इसमें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।